अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, इस टेक्निकल चैनल में आज हम आपको ये गाड़ी है हमारे पास ये स्टार्ट नहीं हो रही, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। जो जिसके पास भी जैसी भी गाड़ी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। गाड़ी खुद ही स्टार्ट कर रहे, कहीं भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो ठीक है, आपकी कहीं भी गाड़ी बंद हो जाती है, सूखिया मेहरान है टोटा है, ठीक है, जैसी भी गाड़ी है ठीक, आप घर बैठे खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। ये बैटरी इसकी ख़राब थी, मैंने इसकी बैटरी चेंज कर दी है और ये गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, चलते चलते अभी आज बंद हुई है ये, ठीक है। और गाड़ी चलते चलते अगर बंद हो जाए तो इसमें अगर आपको नहीं पता फ्यूज़ किधर है किधर नहीं, कैसे चेक करने कैसे नहीं चेक करने, ठीक है, तो आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये देखें, ये पकड़ा, आपको एक तार ले लेनी है वायरिंग की, एक वायरिंग एक तार कहीं से भी आपने ले लेनी। आपने क्या करना है, इसको ना ये देखें छील लेना, दोनों साइडों से छील के और इसके थोड़े थोड़े होल बना लेने हैं और इधर टाइट करना है आपने। देखें कुछ भी नहीं आपने करना, ये देखें ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये देखें ये रेजिस्टेंस कॉइल लगी हुई है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस कॉइल, ये कॉइल है और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। तो ये देखें इसको आपने इस तरीके से हमें, अभी हम एक सारा प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा ये क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। अभी ये देखें आपने एक चीज़ इसमें लगा लेनी है, ठीक है, एक साइड आपने इसमें टाइट कर देनी और दूसरी साइड इस साइड में आपने इस तरीके से ये प्रोसेस कर लेना है, ठीक है। और ये कॉइल की तारें उधर की उधर ही लगी रहेंगी, आपने कुछ भी नहीं करना, कहीं भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो। अभी आपने देखना क्या होता है, ठीक है, अभी मैं सारा बताऊँगा इसमें क्या मसले जो मैंने किया है। चलें भाई गाड़ी स्टार्ट करें अभी। जी फ्रेंड, देखते हैं अभी ये चलते चलते गाड़ी होती बंद हुई है तो मेरे पास आई, मैंने वो सोचा कि चलें फ्रेंड्स के साथ ये मालूमात शेयर कर लेते हैं। जी फ्रेंड, देखा आपने गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये देखिए ये तार तारी गाड़ी बंद हो गई, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस के अंदर ये जो है स्प्रिंग होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा होता है इसके अंदर जो कि वो टूट जाता है, ठीक है, यहाँ हीट हो गए, बहुत ज़्यादा हीट हो जाए फिर वो काम ही नहीं करता, ठीक है। इसलिए एक तरफ से करंट दूसरी तरफ करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, ठीक है। वो चलते चलते अभी गाड़ी बंद हो जाएगी या चलते चलते स्प्रिंग जंप लगा कहीं पर भी, ये स्प्रिंग अंदर से टूट जाता है गर्म होकर। यकीनन आपने मेरी बात को समझा, कितनी अच्छी मालूमात दी आपको। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आप ज़रूर लाइक किया करें और सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी में होगा, ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो डिसलाइक भी ना करें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।